आज पश्चिम बंगाल से भी एक बड़ी खबर आई। चुनाव नतीजों के 39वें दिन बंगाल में बीजेपी को झटका लगा। बीजेपी के उपाध्यक्ष मुकुल रॉय ने फिर से टीएमसी का दामन थाम लिया। 4 साल बाद मुकुल रॉय ने घर वापसी की है। मुकुल रॉय ने संकेत दिया है कि और भी कई नेता यू टर्न लेने के लिए तैयार हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने हर किसी की घर वापसी कराने से साफ इनकार कर दिया। नैतिकता को ताक पर रखकर सियासी सिद्धांत बदलने का ये नया प्रमाण है। 4 वर्षों तक कमल को साक्षी मानकर भगवा वाणी बोलने वाले मुकुल रॉय का फिर से हृदय परिवर्तन हो गया है। मुकुल रॉय पहले भी 3 पत्ती वाली टीएमसी थी, फिर से टीएमसी मार का गमछा गले में लपेट लिया है। बंगाल में बीजेपी की हार के 39वें दिन मुकुल रॉय का भगवा पार्टी से मोहभंग हो गया। बंगाल चुनाव में जिस तरह टीएमसी को पानी पीकर कोस रहे थे, जिस तरह ममता बनर्जी के बारे में बोल रहे थे, उसी दीदी के दरबार में नतमस्तक थे। कभी दीदी के लेफ्टिनेंट हुआ करते थे मुकुल रॉय। घोटाले की फाइल खुली, मोदी नाम की सियासी लहर उठी तो कमल थाम लिया। विधानसभा चुनाव तक बीजेपी के लिए बेहिसाब मेहनत की। टीएमसी के उम्मीदवार कोशानी मुखर्जी को 35,000 से ज्यादा वोटों से हराया भी, लेकिन बीजेपी सत्ता की सीढ़ी चढ़ने से चूक गई तो मुकुल रॉय का भ्रम टूट गया। पहले पार्टी से किनारा करना शुरू किया और अब बेटे के साथ ये कहकर आए हैं कि हार के बाद अभी और भी भगवाधारियों का दिल हरा होने वाला है। हम तो बीजेपी छोड़ के तृणमूल में आया है और अभी बंगाल में जो स्थिति है, ये स्थिति में कोई बीजेपी में रहेगा नहीं। बताया जा रहा है कि बीजेपी में शुभेंदु अधिकारी का कद बढ़ने से मुकुल रॉय नाराज थे। यही वजह है कि नतीजा आने के बाद से ही घर वापसी की तैयारी शुरू कर दी थी। मोदी मैजिक को फेल कर सत्ता के शीर्ष पर तीसरी बार पहुंची दीदी ने भी अपना दिल बड़ा कर लिया। इतना बड़ा कि जो कल तक फूटी आंख नहीं सुहाते थे, उसे गले लगा रही। ममता बनर्जी को भरोसा है कि मुकुल रॉय फिर वैसे ही रहेंगे जैसे पहले हुआ करते थे, इसीलिए अपने भतीजे के हाथों सुपुत्र समेत मुकुल रॉय की पार्टी में वापसी करवाई। हालांकि दीदी ने साफ साफ कह दिया कि गद्दारों की टीएमसी में एंट्री बंद है। Who have criticized the party like anything and who have done the betray before election for BJP, for money, for everything, we are not considering them. बताया जा रहा है कि राजीव बनर्जी, सोवन चटर्जी और सरला मुर्मू से लेकर सोनाली गुहा और दीपेंदु विश्वास तक 33 नेता पार्टी में वापसी करने के लिए बेचैन हैं, लेकिन दीदी सबको शामिल नहीं करना चाहती। हालांकि मुकुल रॉय को फिर से बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी हो चुकी है। मुकुल रॉय जॉइन, इट इज फाइनल एंड फ्रॉम आवर साइड वी वेलकम, दैट इज फाइनल। वी आर नॉट हियर टू सैटिस्फाई यू। आई कैन नॉट सैटिस्फाई द बीजेपी मीडिया। आस्क बीजेपी व्हाई दे आर ब्रेकिंग द पार्टी इन एवरीवेयर। मुकुल रॉय अब तक बीजेपी में अहम भूमिका में थे, लेकिन अचानक मन और दल दोनों बदल गए। बीजेपी कह रही है कि ये घोर गद्दारी है। भारत का इतिहास में, हिस्ट्री में सबसे नाम एक होता है मिर्जाफर, जो अपन को नहीं पूरा जाति को खत्म करते, जो पूरा देश को खत्म करते है। तो मुकुल रॉय एक मिर्जाफर है। मिर्जाफर तैयार हुआ बंगाल का राजनीति में, एक मिर्जाफर राय मुकुल रॉय जी है। आपको बता दें कि मुकुल रॉय सबसे पहले टीएमसी छोड़ने वाले नेताओं में शुमार थे। 2017 में वो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और इसी के बाद बड़ी संख्या में टीएमसी नेताओं को उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करवाई। लेकिन अब न सिर्फ खुद घर वापसी की है, बल्कि दूसरे नेताओं को आयात करने का दावा भी कर रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।